चलिए बाबू, अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर। तो उम्मीद करता हूंगा कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 को ध्यान से देखा है। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.2 में तुमको क्या करा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, मल्टीप्लाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तुमको जो उसमें थ्योरम बताएंगे वो तुमको याद होगा, प्लस होना माइनस का होता है, माइनस होना प्लस का होता है। यदि वो याद है तो ये चैप्टर आराम से बन जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, -18 बाई है और क्या है, 3। तो -18 को किससे गुना करना है, 3 से गुना करना है। तो कुछ नहीं है तो 3 का है किसके साइन है, प्लस का साइन है, पहले ही जानते हैं। तो सबसे पहले हम साइन का गुना करेंगे, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। और अब हम डिजिट का गुना करेंगे तो 18 गुना 3 क्या हो जाएगा, 4। अब इसी तरह से हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर भी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, -14 है और y किससे गुना करना है, -4 से। तो सबसे पहले अब हम ध्यान दे देते हैं कि -14 y के मतलब गुना का साइन, -4 ना है तो -4। तो साइन का सबसे पहले ना, तो माइनस को ना माइनस का हो जाएगा प्लस, और 14 चौका क्या हो गया, 56। अब इसी तरह से हम देख लेते हैं और इसमें कोई क्वेश्चन देखने वाला, एक पचमा का है, पचमे देख लेते हैं, पचमा और छठा दोनों एक ही, 0 बाई 64। तो बाई का मतलब क्या होगा, गुना ना, तो 0 में किसी भी अंक से गुना करो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तब आगे हम बढ़ जाते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जितने भी सारे क्वेश्चन है फर्स्ट का तुमको बना लेना है, तो आराम से बन जाएगा, नहीं बनेगा तो वापस से पूछ लेना। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, -7 है, मल्टीप्लाई का साइन है, -3 है, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, -8। तो सबसे पहले ब्रैकेट से हटा दो, -7 गुना -3 गुना -8। तो सबसे पहले अंक का ना, सॉरी अंक का साइन का ना, तो माइनस गुना माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये दोनों को करते हैं, फिर हम इसके साथ करेंगे। तो -गुना- को आ गया प्लस ना, 7 गुना 3 21, प्लस 21 गुना -8। फिर पुनः साइन का गुना, पहले साइन का ना, तो प्लस गुना माइनस माइनस, और 21 8 क्या हो जाएगा, 168। ठीक है, चल आगे बढ़ जाओ। अब इसी में हम देख लेते एकदम हूबहू यही सब सारे हैं। एक और चलो हम थर्ड देख लेते हैं इसका, 5 है गुना है -6 है और गुना है -8। 5 गुना ब्रैकेट हटा देते हैं, -6 फिर गुना -8। तब गुना कर दो सबसे पहले ये दोनों को, कुछ नहीं तीस का प्लस है, तो प्लस गुना माइनस माइनस ना, 5 6 30, फिर -8, माइनस गुना माइनस प्लस ना, 30 8 200। आगे बढ़ जाओ, इसी तरह से हमको 2 नंबर क्वेश्चन सारे बना लेने। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन तुमको क्या कर रहा है, -4 गुना है 6 है, फिर प्लस का साइन है, फिर ब्रैकेट है, -4 है और गुना है माइनस। तो तुम लोग जो है बोडमास रूल पढ़े होगे सबसे पहले, इतना तो पढ़े होगे। तो सबसे पहले किसका काम होता है, ब्रैकेट का। और ब्रैकेट में सबसे पहले क्या होता है, बिग ब्रैकेट, फिर क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट, फिर क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट, और उसके बाद किसका होता है, यदि काके किया टू या फ्रॉम लगा हुआ है उसका हम करते हैं, और फिर क्या होता है, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, प्लस या माइनस, यही नियम होता है। तो इसमें भी उसी तरह से फॉलो करेंगे। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं, ये मल्टीप्लाई है और यहाँ पर है मल्टीप्लाई, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट से हटा देते हैं। तो ब्रैकेट से हटा देते हैं, -4 गुना 6 हो गया, प्लस हो गया, इसको ब्रैकेट से हटा दें, -4 गुना। अब करते हैं कुछ नहीं है तो इसके आगे प्लस है ना, तो -गुना प्लस माइनस, 4 6 24, बीच में प्लस का साइन, कुछ नहीं तो इसके आगे भी प्लस न है, तो -गुना+, -9 और 9 चौका 36।
अब देख लो -24, अब प्लस और माइनस, तो प्लस गुना माइनस का हो जाएगा -36। ठीक है, अब हम आगे कर लेते हैं प्रोसेस। दोनों का समान थी साइन है, दोनों पर माइनस का साइन है, तो अंक को जोड़ देना, 36 और 24 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 60, और दोनों के आगे माइनस का साइन लगा है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस। आगे बढ़ जाते हैं, इसी में हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या करें कि 5 गुना है -11 है, ये ब्रैकेट में हो गया, फिर प्लस है 5 है गुना है -13 है। सबसे पहले इसका काम कर लेते हैं, 5 गुना -11 ना प्लस 5 गुना -13, अब कुछ नहीं है तो इसके आगे का है प्लस, नहीं है तो प्लस होना माइनस माइनस, अब 5 में 11 से गुणा करेंगे तो 55, प्लस का साइन दे दो। कुछ नहीं है तो इसके आगे एक और प्लस है ना, तो प्लस होना माइनस माइनस हो जाएगा, अब 13 5 65, तो माइनस प्लस होना माइनस माइनस ना, तो 65 हो गया। दोनों का आगे माइनस का साइन है तो अंक को जोड़ दो, तो 65 और 55 जोड़ोगे तो क्या होगा 120, दोनों का आगे माइनस का साइन है तो -120। समान साइन है तो अंकों हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, उसके बाद हम माइनस कर देते हैं। तो उसी तरह से तुमको सारे क्वेश्चन बना लेने हैं, ठीक है बाबू। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी बना लेना है, फोर्थ नंबर उसी तरह से, फाइव नंबर उसी तरह से, सिक्स नंबर भी उसी तरह से, ठीक है। यदि नहीं बनेगा तो तुम वापस पूछ लेना। अब आ जाते हैं हम फिल इन द ब्लैंक से। तो फिल इन द ब्लैंक्स में तुमको क्या कर रहा है, -9 है और गुना खाली स्थान है बराबर 9 है, तो कह रहा है कि -9 में हम कितना से गुना कर देंगे क्या आ जाए +9 ना आ जाए, तब मान लेते हैं कितना से गुना करें 100 से। अब ध्यान दे देते हैं बाबू, तो 100 के साथ है -9 किस में है, गुना में ना है, तो तुम जानते हो ये पार्ट क्या होता है LHS ना, और इधर वाला पार्ट क्या होता है RHS, यानी जो एरो के बाएं साइड है उसको LHS, और जो एरो के दाएं साइड है उसको हम RHS बोलते हैं। तो LHS से यदि RHS में कोई नंबर जाता है या कोई भी चीज जाता है तो उसका क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, तो ये किस में है गुना में ना है, गुना में इसका साइन चेंज नहीं होगा, गुना जो गुना भाग जोड़ घटाओ इसका साइन चेंज, तो गुना से के किस में चेंज होता है भागा में चेंज होता है, ठीक है। तो एक्स के साथ -9 किस में है, गुना में, उसे जा करके भागा में हो जाएगा, तो एक्स बराबर हम इसको क्या लिखेंगे 9 भागा ना -9, तो एक्स बराबर कर लेते हैं 9, तो गुना में हो जाएगा ना, तो गुना हम कर देंगे, और नीचे वाला क्या हो जाता है गुना में करने के बाद क्या करते हैं 1 बटा ना वही सेम चीज, तो गुना में कर दिया और 1 बटा -, 9 से 9 खत्म हो गया, 1 बटा कुछ नहीं है तो -1 ना है, तो यानी क्या आ गया -1, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया -1, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के जगह पर क्या भरा जाएगा -1 ना। आगे बढ़ जाते हैं, इसी तरह से तुमको दूसरे नंबर क्वेश्चन बना लेना है। तीसरा नंबर तो तुम ऐसे ही देख रहे हो, क्या करे -28 गुना 0 बराबर 0 ना, यानी तुमको किसी भी नंबर से यदि 0 लाना है तो उसमें किससे तुमको गुना करना पड़ेगा 0 से, यहाँ पर क्या करें -28 गुना खाली स्थान बराबर 0, तो -28 में कितना से गुना कर दो कि 0 आ जाए, 0 से ना, 0 हो गया, थर्ड नंबर क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। चलो फोर्थ तो भी तो एकदम वो सेम चीज है, तो चलो फोर्थ को देखना है तो देख सकते हैं, आ जाते हैं इसमें हम लोग फोर्थ को देख लेते हैं, मिटा दें थर्ड को बिना कोई दिक्कत के, थोड़ा कलर अलग ले लेते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, फोर्थ में तुमको क्या करा है कि 17 गुना ब्रैकेट में क्या है -6 है बराबर -6 गुना खाली स्थान है, कुछ नहीं तो इसको हम क्या मान लेते हैं 101 खाली स्थान। अब एक्स के साथ -6 किस में है गुना में ना, तो उधर जाकर किस में हो जाएगा भागा में हो जाएगा, तो भागा -6, भागा का मतलब क्या होता है बटा हो जाता है, हम डायरेक्ट बटा में कर देते हैं
बटा में कर देते हैं, ठीक है। भागा का मतलब क्या होता है, बटा ही होता है, तो माइनस तो डायरेक्ट बटा में जाओ, माइनस छह से माइनस छह खत्म ना, एक्स का वैल्यू क्या आ गया 17, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और कलर चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या कर रहा है, एक तो छोटी कोष्ठ है दे दिया है, अति मतलब कि मंझली कोष्ठ इसको बोलते हैं, -3 × 7 इसको बंद कर दिया, फिर गुना है छोटी कोष्ठ है -4 बराबर है खाली स्थान है, तो खाली स्थान में हम एक्स मान लेते हैं, गुना है छोटी कोष्ठ हो गई सॉरी मंझली कोष्ठ 7 गुना। तो हम सबसे पहले इस कोष्ठ का पहले हम प्रोसेस कर लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो इसको गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 7 में -3 से गुना कर दोगे तो क्या होगा -21, ब्रैकेट हटा दो, दोनों ब्रैकेट एक साथ ही, ये भी क्या हो गया -4 ना, -4 बराबर एक्स गुना, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा देते हैं, 7 × -4 क्या हो जाएगा -28 हो जाएगा। अब देख लो एक्स के साथ ये क्या है, गुना में ना है तो उधर जा करके भागा में हो जाएगा, तो -21 गुना -4 ना और बटा -28, तब देख लो गुना करके ऊपर वाला के ऊपर लिख दो, माइनस होना माइनस प्लस ना और 21 होगा 84 बटा -28, तो प्लस भागा माइनस का हो जाएगा माइनस ना, तुमको पहले ही नियम बताए थे, और 28 दिया 84 यानी एक्स का वैल्यू -3 था, ठीक है।